Hallelujah. 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 स्वागत है आपका जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। मैं परमेश्वर का दास आपका इस चर्च में स्वागत करता हूं। जब परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में रह सके, तो हम अपने आप को छोटा करते हुए, दीन करते हुए और नम्र करते हुए परमेश्वर के चरणों में आए, ताकि जो कुछ वचन आज परमेश्वर के मुख से निकले, जो कुछ वचन आज पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हम उसके ऊपर चलने वाले हो सके, हम उसको ग्रहण करने वाले हो सके, हम उसको रिसीव करने वाले हो सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। जो आज का वचन हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। आइए परमेश्वर की जब हजूरी में हमने उस अरोमा में, उस खुशबू में जो परमेश्वर की हजूरी में है, परमेश्वर की प्रेजेंस में है, जब हम सब इकट्ठा हैं, तो परमेश्वर के वचन की ओर सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे। जो परमेश्वर की सांसें हैं, जो परमेश्वर का वचन अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए है, आइए हम उसकी ओर मनन करेंगे, उसकी ओर ध्यान करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब पवित्र होकर अपने अपने बाइबल्स को अपने हाथों के आगे रख के, अपने आगे रख कर, घुटने टेक कर ये परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आप अपने आप को कैजुअल नहीं, कि लेट कर नहीं या ऐसे आराम से नहीं वचन नहीं सुनना, बल्कि बैठ के उसको, परमेश्वर के वचन को सुनना है। हम जैसे चर्च में बैठते हैं, वैसे पूरी इज्जत के साथ परमेश्वर के वचन को हमने सुनना है और ग्रहण करना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, सैमुएल की किताब में लिखा है, जो मुझे आदर करेगा मैं उसको आदर करूंगा, जो परमेश्वर को आदर करता है परमेश्वर भी उसको आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। मैं सबको एक बार फिर से परमेश्वर के नाम में आपको शालोम कहता हूँ, शांति देता हूँ। आपके घर में शांति बने रहे, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का जो इस वचन को सुनते हैं और अपना कीमती समय निकाल कर इस वचनों को ग्रहण करते हैं और उस पर चलते भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी वचन आप सुनेंगे, कुछ लोग लिख रहे हैं, भाई सुमेर लिख रहे हैं, प्रभु के दास को जय मसीह की, खुदा आपको भी बरकत दे, जय मसीह की, परमेश्वर आपको बरकत दे। और मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो इन वचनों को सुनते हैं, और खास करके यीशु सहारा चर्च की कलीसिया को, जो इस जगह पर बैठ के परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, जो इस जगह पर बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आपके घर में किसी चीज़ की कमी घटी ना रहे। लॉकडाउन के दौरान, इन अकाल के दिनों में भी परमेश्वर आपको खिलाए, परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। अपने आप को तैयार करें, अपनी सबजन अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन की ओर सुनने के लिए। सबजन अपनी आंखों को बंद करेंगे, सबजन, सबजन जितने भी इस वीडियो को देखें, सबजन अपनी आंखों को बंद करेंगे। रोबोलो बोरिया नमः शंदर अला बरा रबा शिखेरे ले बेरे 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 बेरे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में निर्धारित किया। प्रभु जी, ये हमारी ओर से नहीं था, परंतु तेरी ओर से था। हम सब भाई बहन इकट्ठा हो सके, तेरे वचनों को सुन सके, तेरे वचनों को बोल सके, तेरे वचनों को ग्रहण कर सके, तेरे वचनों पर चल सके। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम सबमिट करते हैं अपने आप को तेरे हाथों में। पवित्र आत्मा जी, वी सबमिट आवर सेल्फ इन टू माइटी केयर। हम अपने आप को समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं तेरे, तेरी आड़ में, ओ तेरी, तेरी बाहों में, ओ तेरे, तेरे, तेरी आश में। और प्रभु जी, अपने आप को हम समर्पित करते हैं खुदावंदा, तेरी प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित करते हैं। जो वचन हो प्रभु जी, हमारे दिलों में कार्य करे, हमारे मनों पर कार्य करे, हमारे शब्दों में कार्य करे, हमारे जीवनों में कार्य करे। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन। सब सुनने वाले बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, हम वचन की ओर चलेंगे, हम निकालेंगे जैसे कि हमने जो इस हफ्ते का जो बैनर निकला था वो था कि हम भजन संहिता उसका 84 उसका 10 आयत हम पढ़ेंगे। वो क्या कहता है कि परमेश्वर क्या ही भला है तू कि तेरे आंगनों में बिताया हुआ एक एक पल कई हजार पलों से बेहतर है। आइए हम पढ़ेंगे, दाऊद राजा जो था, जो डेविड किंग, वो परमेश्वर का वचन बोल रहा है अपने मुख से, उसके अंदर से जो निकल रहा है, उसकी लॉन्गिंग है, जो उसकी डिजायर है, जो उसकी इच्छा है, उसके अंदर से निकल रहा है, वो वर्शिप कर रहा है। मैंने कई बार अपनी कलीसिया को भी सिखाया है कि वर्शिप क्या है, आराधना क्या है। आराधना ये है जो हमारे अंदर से निकल रहा है परमेश्वर के लिए, हमारे अंदर से। गिटार बजाना, गीत गाना, ये एलिमेंट्री है, ये एक साज, ये तरीका है आराधना करने का। बट असली आराधना क्या है, हमारे अंदर से जो परमेश्वर के लिए निकल रहा है, हमारे अंदर से जो परमेश्वर की प्रशंसा निकल रही है, उसको बोलते हैं आराधना। हालेलुया। तो दाऊद के मुख से क्या निकला परमेश्वर के लिए हम पढ़ेंगे, 84 भजन संहिता 84 उसका 10 आयत में, भजन संहिता 84 उसका 10 आयत में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई के हजार दिन से उत्तम है। हे परमेश्वर, तेरे आंगनों में का एक दिन कई हजार दिनों से उत्तम है, कई हजार दिनों से बढ़िया है। हालेलुया, हालेलुया। कई हजार दिनों से उत्तम है कि मैं एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं। आगे क्या कहता है, दुष्ट के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। ये दाऊद की जो है, ये दाऊद राजा जो था, उसकी अंदर से लॉन्गिंग आ रही, उसके अंदर से इच्छा जाग रही है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए कि हे परमेश्वर तू इतना अच्छा है, हे परमेश्वर तू इतना भला है, हे परमेश्वर तेरी करुणा ऐसी है, हे परमेश्वर तू इतना अच्छा है, इतना भला है कि तेरे आंगनों में, तेरे वेड़े में, तेरे घर में, तेरे भवन में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। तेरे भवन में रहना, तेरे आंगन में रहना, मैं अपने महल में रहता हूं, मैं युद्ध के मैदान में रहता हूं, मैं बहुत सारे स्थानों पर रहता हूँ, हम भी बहुत सारे स्थानों पर रह सकते हैं, रहते होते होंगे, काम पर रहते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, परंतु दाऊद भी ऐसे सेम काम कर रहा था। उन सब चीजों को पीछे छोड़ के वो एक चीज को आगे कह रहा है, बाकी सब चीज पीछे है, एक चीज आगे है, वो है परमेश्वर की प्रेजेंस, वो है परमेश्वर की उपस्थिति, वो है परमेश्वर का भवन, वो है परमेश्वर का राज, वो है परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर दाऊद को रहना अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को रहना वहां अच्छा लगता है क्योंकि वो वहां पर उसको आनंद मिल रहा है, वहां पर उसको खुशी मिल रही है, वहां पर उसको आनंद मिल रहा है, वहां पर उसको प्रेम मिल रहा है, वहां पर उसको धीरज मिल रहा है, वहां पर उसको संयम मिल रहा है, वहां पर उसको आशीष मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। कृपया ध्यान से सुनिए ये वचन। अब अगर आपके घर में कहीं शोर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो प्लीज एक जगह पर बैठिए, ये परमेश्वर की, रब दी गल हो रही है, रब दी गल हो रही है, परमेश्वर की बात हो रही है। तो आपके घर में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है तो प्लीज उसको शांत कीजिए और ध्यान से, धीरज से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए, ये बहुमूल्य है। दाऊद ने इसको प्रेफरेंस किया, वो राजा था। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा था फिर भी
परमेश्वर की उपस्थिति को वो पहल दे रहा है, वो प्रायोरिटी दे रहा है, वो पहल दे रहा है, वो पहला दर्जा परमेश्वर की प्रेजेंस को दे रहा है। हालेलुया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को पहला दर्जा दे रहा है, ना कि दूसरा। हम अपनी जिंदगी में भी पहला दर्जा परमेश्वर को दें, हम अपनी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को दें, हम पहला स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दें, किसी दूसरे को ना दें। हालेलुया, किसी दूसरे को ना दें, सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। आमीन, आमीन। दाऊद यहां पर कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरे आंगनों का एक दिन तेरे आंगन में बिताया, तेरे भवन में बिताया हुआ एक दिन कई हजार दिनों से उत्तम है, कई हजार दिनों से उत्तम है। 24 घंटे जो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहा हूं, कई 24 हजार घंटों से उत्तम है। एक घंटा 24 घंटों से उत्तम है, 24 घंटे कई भी 24 हजार घंटों से उत्तम है, क्योंकि जो पल मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया है वो मुझे भावता है, वो मुझे तसल्ली देता है, वो मुझे चंगाई देता है, वो मुझे शांति देता है, वो मुझे प्यार देता है, वो मुझे धीरज देता है, वो मुझे संयम देता है, वो मुझे आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम है वो उसकी उपस्थिति में है। आदम और हवा तब तक ब्लेस्ड थे जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे। बाद में पाप करने के बाद वो जो थे श्रापित हो गए। हालेलुया, जो परमेश्वर के प्रेजेंस में आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है। हम शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग गलत कामों में जाते हैं, नशा करते हैं, गलत काम करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, ऐसे गलत गलत काम करते हैं, ऐसे गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, परंतु जो आनंद परमेश्वर की प्रेजेंस में है वो दाऊद को कहीं और नहीं मिली। वो चरवाहे से लेकर राजा बन गया, उसने सारे ऐशो आराम किए, वो सारी महल के अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा देखकर, अच्छा खा के, दुनियादारी अच्छे से व्यतीत करके, फिर भी उसको इन सब चीजों से बढ़कर एक चीज लगी, वो थी परमेश्वर की प्रेजेंस, वो था परमेश्वर की अनुभव, परमेश्वर का एक्सपीरियंस, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का काम। आमीन। हम जब चर्च में भी जाते हैं, हमें सबसे ज्यादा चीज जो अच्छी लगती है वो है परमेश्वर की प्रेजेंस। जो देख रहे हैं आप अपने घरों में बैठे हैं, परंतु जब आप चर्च में जाते थे या जाएंगे, आपको क्या चीज अच्छी लगती है? क्या आपको परमेश्वर की प्रेजेंस है, या फिर जाकर वहां पर म्यूजिक अच्छा लगता है, या फिर पास्टर के कपड़े अच्छे लगते हैं, या आसपास में जो लोगों के कपड़े अच्छे लगते हैं, या वहां पर खाने पीने के लिए आप जाते हैं, या वहां पर आनंद करने के लिए जाते हैं? अगर आनंद करने के लिए जाते हैं तो किस चीज का आनंद करने के लिए जाते हैं? कौन सी चीज का आनंद आप लेते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में? दाऊद एक चीज कह रहा है, तेरे आंगनों में बिताया हुआ एक पल मुझे भावता है, मुझे अच्छा लगता है, काश मुझे एक दिन मिल जाए परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का, काश मुझे एक पल मिल जाए परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने का, काश मुझे एक घंटा मिल जाए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का, काश मुझे एक पल मिल जाए ताकि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकूं, ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकूं। ये नहीं है कि उपस्थिति हम बैठ के गीत गा लिया, उसके बाद हम एक दूसरे का मुंह देखते रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, अन्य भाषा बोल के जो हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की प्रेजेंस होती है। पुराने नियम में परमेश्वर की प्रेजेंस ने ही लोगों को बचाया। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस,
एंड व्हाट इज द गॉड्स प्रेजेंस एंड व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और परमेश्वर की प्रेजेंस क्या है और परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। हालेलुया, परमेश्वर हमको आशीष देता है, परमेश्वर हमें बरकत देता है, परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। आमीन। परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया था ताकि उसकी प्रेजेंस में वो रह सके। परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए क्रिएट किया अपने हाथों से ताकि वो उसकी प्रेजेंस को महसूस करे। आदम को उसने इसीलिए बनाया ताकि उसकी प्रेजेंस में रहते हुए वो उसकी आराधना करने वाला हो सके। वो सेम चीज दाऊद कर रहा है, वो राजपाट को छोड़ के, वो किंगली पैलेस को छोड़ के, वो सब अपने ऐशो आराम को छोड़ते हुए वो एक चीज की ओर महत्वता दे रहा है, वो एक चीज को दे रहा है, वो है परमेश्वर की प्रेजेंस, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। उसका ध्यान इधर ऐशो आराम की ओर नहीं है। वो जब संदूक लेके आ रहा था ए नगर में, तो उसकी वाइफ मिकल जो शाउल की बेटी थी, तो उस देखने लगी कि ये क्या कर रहा, वो नाच रहा था ऐसे पागलों की तरह नाच रहा था। वो मिकल ने कहा तू राजा है, तू ऐसे क्यों नाच रहा है। वो बोलता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे चरवाहे से मुझे राजा बनाया, क्या मैं उसके लिए नाचूं ना। आपको परमेश्वर ने बीमारियों से बचाया, आपको परमेश्वर ने दुष्टात्मों से छुटकारा दिया, आपको परमेश्वर ने दुखों से छुटकारा दिया, आपको परमेश्वर अनंत का रास्ता दिखा रहा है, आपको परमेश्वर स्वर्ग में लेके जा रहा है। देन व्हाई यू लेफ्ट गॉड, आपने परमेश्वर को क्यों छोड़ दिया, आपने परमेश्वर को क्यों छोड़ दिया और दुनियावी कामों में लग गए। हम क्यों लग जाते हैं दुनियावी कामों में, हमें वो अच्छा क्यों लगता है, 5 मिनट का टेस्ट, 2 मिनट का टेस्ट, वो पाप वो हमें मीठा लगता है, वो पाप हमें शहद से भी अच्छा लगता है, वो पाप हमें मधु क्यों लगता है। क्योंकि शैतान आपको मीठे पंचों खाना चाहता है और आपको पाप में डालना चाहता है। परंतु दाऊद आप यहां पर कह रहा है मैं इन सब चीजों से छोड़कर मुझे सिर्फ एक दिन अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में जा सकूं। आमीन, हालेलुया, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकूं, उपस्थिति में जा सकूं, क्योंकि ये कहीं ज्यादा मूल्य रखती है मेरे जीवन में, ये कहीं ज्यादा मूल्य रखती है मेरे अंदरूनी इंसान के लिए, मेरे इंसानियत के लिए, मेरे अंदरूनी इंसान के लिए ये कहीं ज्यादा महत्व रखती है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करूं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय व्यतीत करने वाला हो सकूं। आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद वो कह रहा है दुष्टों के डेरे में वास करने से अच्छा है कि परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहने मुझे अधिक भाता है। देवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अच्छा भाता है। क्या कह रहा है दाऊद, क्या वो पागल हो गया है। एक राजा अपने सिंहासन पर बैठने की बजाय, ध्यान से सुनिए, एक राजा अपने सिंहासन पर बैठने की बजाय देवड़ी पर खड़ा रहने के लिए, एक चौकीदार की तरह खड़ा रहने के लिए वो तैयार है अपने परमेश्वर के लिए। आमीन। दाऊद राजा उसको परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा अच्छी लगती है, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं देवड़ी पर खड़ा रहूं। उसको उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करूं। उसको उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं बस ऐसे खड़ा रहूं, बस ऐसे नम्र होकर ऐसे बस देवड़ी में खड़ा रहूं, परमेश्वर के भवन में देवड़ी पर रहना दुष्टों के वास करने से अच्छा है, मैं देवड़ी पर खड़ा रहूं। क्या कह रहा है दाऊद, कहां से उसने सीखा यह चीज कि देवड़ी में रहने से आशीष मिलती है, परमेश्वर की देवड़ी में रहने से। चर्च में लोग आते हैं,
चर्चस में लोग जाते हैं, परमेश्वर के घर में लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम छोटा लगता है, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, जूतों का काम मुझे अच्छा नहीं लगता, जूतों संभालने का और जूतों की देख रेख करने का मुझे काम अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ और काम करूं, बर्तन मांजने का काम अच्छा नहीं लगता, दरियां साफ करने का काम, मुझे सिर्फ स्टेज पर चढ़ना अच्छा लगता है कि मैं बजाऊं और गाऊं, प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है, साज बजाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे खड़े होकर प्रेजेंस में, परंतु मैं सेवा के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक राजा अपनी राज गद्दी को छोड़ के, इतने बड़े राज्य को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो बोल रहा है ही वॉन्ट्स टू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो आना चाहता है परमेश्वर की उपस्थिति में, वो अपने आप को समर्पित करना चाहता है परमेश्वर की उपस्थिति में, वो अपने आप को दीन नम्र करना चाहता है परमेश्वर की उपस्थिति में। और सबसे उससे भी ज्यादा अच्छा वो बोलता कि चाहे मैं प्रेजेंस में ना जाऊं, मुझे डेवड़ी पर खड़े रहना, मैं अपने आप को छोटा दीन नम्र करता हुआ डेवड़ी पर खड़ा रहूं, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। हम दोबारा से फिर ये आयत पढ़ेंगे, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। हालेलुया, क्या रेवलेशन है, क्या प्रकाशन है दाऊद के पास परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए, क्या तरीका है उसके पास परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का, क्या तरीका है उसके पास परमेश्वर के बरकतों को लेने का। सज्जन बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। देवड़ी पर खड़े रहना, मैं अपनी बात बताऊं, मैं पास्टर अभिषेक दर्शन जब एक चर्च में जाता था, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगता था कि मैं जूतों की सेवा करूं, चप्पलें संभालते थे हम लोग, टोकन देते थे, फिर टोकन के बाद उसको चप्पलें ऐसे देते थे साफ करके, चप्पलें, छोटे से छोटा काम, और परमेश्वर आज हमें ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आज हमें आशीषित कर रहा है, परमेश्वर आज हमें बरकत दे रहा है, छोटा काम परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। आप किस काम के लिए तैयार है परमेश्वर के? वो बोलता डेवड़ी में रहना मुझे अच्छा लगता है, परमेश्वर के कॉरिडोर में, भवन के कॉरिडोर में रहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात उसने कहां से सीखी? उसने एक व्यक्ति से सीखी जिसका जीवन आशीषों से भर गया। उसने ये बात सीखी ओबेद एदोम नामक एक व्यक्ति से। सब बोलो ओबेद एदोम, फिर से बोलो ओबेद एदोम, फिर से बोलो ओबेद एदोम। शायद हम में से बहुत सारे कम लोग उसको जानते होंगे। ओबेद एदोम कौन था, कौन था ओबेद एदोम? ओबेद एदोम एक द्वारपाल जिसको कहते हैं, जिसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। जब दाऊद ने राज्य खड़ा किया तो उसने शहर पनाह के लिए कुछ द्वारपालों को चुना। वो द्वारपाल जब चुने गए तो उनका काम था कि कोई शहर से बाहर ना जा सके, कोई शहर से अंदर ना आ सके। वो रात को ड्यूटी करते थे, वो काम करते थे, ध्यान रखते थे खजाने का, शहर के खजाने का, देश के खजाने का भी ध्यान रखते थे। सिर्फ उन्हीं को हक था कि अलाउ करना किसी को बाहर जाना अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना। ओबेद एदोम भी एक द्वारपाल था, एक सिक्योरिटी गार्ड था,
दाऊद राजा के राज्य में। इन द किंगडम ऑफ डेविड उबेद एदोम वाज ए डोर कीपर, वो द्वारपाल था। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे बाइबल में से, हम पढ़ेंगे निकालेंगे हम पहला इतिहास, पुराने नियम में पहला इतिहास, उसका 9:22, पहला इतिहास उसका 9:22, 9:22, 497 पेज नंबर है, 497, 497 पुराने नियम में, पुराने नियम में 497 हम पढ़ेंगे 22। जो द्वारपाल होने के लिए चुने गए थे वे 212 थे, जिनको पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य ठहराया था, और वे अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए, द्वारपाल गिने गए, द्वारपाल ठहराए गए। ओके, उसके बाद उबेद एदोम नामक एक व्यक्ति को भी परमेश्वर दाऊद ने द्वारपाल ठहराया, और द्वारपाल ठहराने के बाद वो ड्यूटी करता था अपनी। उसके बाद क्या हुआ, वो सिक्योरिटी गार्ड, फिर हम पढ़ेंगे पहला इसी इतिहास को 13 आए, थोड़ा सा आगे चलेंगे 13। दाऊद ने बहुत सारे लोगों को, सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। 13 अध्याय, पहला इतिहास उसका 13 अध्याय क्या कहता है, तब दाऊद ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा, यदि ये तुमको अच्छा लगे तो हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इज़राइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं उनके पास भी यह कहला भेजो कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए। अपने परमेश्वर के संदूक को, परमेश्वर का जो संदूक था, परमेश्वर का जो राज्य था, परमेश्वर का जो संदूक था जिसमें जो वाचा का संदूक बोला जाता है, जो वाचा का संदूक, जो बॉक्स बोला जाता है, जो कवनेंट, आर्क ऑफ द कवनेंट बोला जाता है, परमेश्वर का संदूक बोला जाता है, वो संदूक, वो बोल रहे हैं कि वो संदूक को हम अपने नगर में ले आए, क्योंकि शाऊल राजा जो अब नहीं रहा, क्योंकि शाऊल राजा के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। चौथा अध्याय क्या बोल, चौथी आयत क्या बोलती है, तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे क्योंकि ये बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। दाऊद ने मिस्र के शिहोर से ले हमात की घाटी सब इसराइलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किरित्यारीम से ले आए। तब दाऊद सब इसराइलियों को संग लेकर आया, बाला को गया, और उसके बाद हम जब पढ़ेंगे 6वां अध्याय कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां ले आए, वह तो करूबों का विराजमान है, यानी कि उस संदूक के ऊपर ऐसे संदूक था, ऐसे एक बॉक्स होता था, उसके ऊपर ऐसे 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 दो ऐसे करूब बने हुए थे, उनके ऐसे ऐसे पर थे, ऐसे ऐसे कैसे आपको बना के दिखाऊं, ऐसे इधर इधर ध्यान दीजिए, ऐसे करूब बने हुए थे और वह ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे, परमेश्वर का विराजमान होता था, परमेश्वर उसमें विराजमान होता था। आगे क्या है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी बनाई और उस पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला, और उज्जा और आहो अहत्रो गाड़ी को हांकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते, दाऊद और सारी इजरायली परमेश्वर के सामने उस संदूक के आगे आगे जा रहे हैं, संदूक जा रहा है गाड़ी में और वो उसके आगे आगे जा रहे हैं, गीत गाते हुए, नाचते हुए, डफ बजाते हुए, वीरा बजाते हुए, सरंगी बजाते हुए, डफ बजाते, झांझ बजाते, तुरियां बजाते हुए आगे आगे जा रहे हैं। आगे क्या हुआ, आगे जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी, बैलों ने पत्थर के साथ ठोकर खाई और वो गिरने लगे। तब क्या है, संदूक जो था वो गाड़ी पर पड़ा था, वो गिरने लग गया,
जैसे एक संदूक जा रहा है, जैसे मान लो एक डोली जा रही है, जैसे पुराने समय में एक डोली जाती थी, पुराने समय में एक जब डोली जाती थी बीच में दुल्हन होती थी, चार उसको पकड़ के जाते थे, ऐसे गड्ढे में जो बैलों का गड्ढा होता था, जो गाड़ी बैलों की गाड़ी बनाएगी और उस गाड़ी के ऊपर परमेश्वर का संदूक रखा हुआ है और वो जा रहे हैं। अचानक क्या हुआ, पत्थर आया और पत्थर आने के बाद बैल गिरने लगे। जब गिरने लगे तो वो बैलगाड़ी भी गिरने लगी और उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसके बाद संदूक गिरने लग गया। संदूक जब गिरने लगा तब उझा नामक एक व्यक्ति था, वो जल्द से गया और उसने क्या किया, उसको हाथ लगाया, उसको उसको हाथ लगा के उसने बचाने की कोशिश की। क्या हुआ इसका रिजल्ट देखेंगे। तब यहोवा का कोप उझा पर पड़ा और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। प्रेजेंस को टच करने से उसकी मौत हो गई। प्रेजेंस को टच करने से, हालेलुया हालेलुया, मुझे पानी दीजिए। प्रेजेंस को टच करने से वो संदूक जो था वो गिरने लगा और उझा मरने लगा। एक सेकंड के लिए हम फिर दोबारा से ये पढ़ेंगे, हम दोबारा से फिर पढ़ेंगे 9 अध्याय फिर पढ़ेंगे। जब वे किदोन के खलियान तक आए तब उजा ने अपना संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी और वो गिरने लगा। उजा ने कहा कि संदूक नीचे ना गिर जाए तो मैंने हाथ बढ़ा के, उसने क्या किया, हाथ बढ़ाने के बाद कि वो गिर ना जाए और उस संदूक को बचा लिया। क्या उसने कुछ गलत किया, क्या उसने कुछ गलत किया था जो परमेश्वर ने उसको मार दिया? उसने कुछ गलत किया, हम सबको ये लगता होगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु उसने गलत क्या किया कि परमेश्वर ने उसको मार दिया? उसने अपने आप को पवित्रता ही ना रखते, क्योंकि संदूक सिर्फ और सिर्फ लेवी उठा सकते थे, याजक लोग सिर्फ संदूक को हाथ लगा सकते थे, याजक लोग थे जो उसको हाथ, सिर्फ याजक लोग संदूक को हाथ लगा सकते थे। बट यहां पर उज्जा जो याजक नहीं था और उसने उसको हाथ लगाया और वो मर गया। तब वहीं पर परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, दाऊद निराश हो गया कि ये कैसे हो गया कि मैं वो उस स्थान से यरूशलम को, यरूशलम की तरफ परमेश्वर का जो परमेश्वर का संदूक है, जो परमेश्वर की वाचा का संदूक है, परमेश्वर की जो आर्क ऑफ द कवनेंट है उसको मैं लेके जा रहा हूं, पर रास्ते में उसने एक व्यक्ति को मार दिया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मार दिया क्योंकि उसने अपवित्रता के साथ, और दूसरी बात ये है वो याजक नहीं था, वो लेवी कौम से नहीं था, इसलिए उसने उसको हाथ लगा दिया और मर गया। आगे चलते हैं, क्या है, इसलिए कि यहोवा जो दाऊद प्रसन्न हुआ कि इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा, उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा और ये आज तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में, दाऊदपुर किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ डेविड, ओके, सिटी ऑफ डेविड यरूशलम को, ओके, दाऊद का वो शहर था और उसको सिटी ऑफ डेविड कहा जाता है, दाऊदपुर। परंतु उबेद एदोम नामक गति के यहां ले आया। उसने दाऊदपुर में रखने से अच्छा समझा कि मैं एक उबेद एदोम नामक जो उसको जानता था, उसका घर रास्ते में पड़ता था, और उसने कहा कि ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है और इसके घर में मैं एक संदूक को रख दूं। एक संदूक को, अपने संदूक को उठा के उसमें रख दूं। हालेलुया हालेलुया, संदूक को उसमें रख दूं। उससे क्या हुआ, संदूक को उसके घर में रखने से क्या हुआ, सुनेंगे। और परमेश्वर का संदूक ओबेद एदोम के यहां घराने के पास 3 महीने तक, 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 3 महीने तक उसके घर में रहा। हालेलुया, उसके घर में 3 महीने तक परमेश्वर का संदूक पड़ा रहा। आगे
और यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। संदूक उसके घर में रहने से ओबेद एदोम को आशीष दी। ओबेद एदोम ने अच्छे से जान लिया था कि थोड़े महीने पहले, अभी थोड़े दिन पहले उजा ने जब इसको टच किया, ये संदूक है, मान लो ये संदूक है, इसको टच किया तो वो मर गया। अब मैं इसको टच नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसकी रक्षा करूंगा कि कोई इसको ले ना जाए, मैं इसकी रक्षा करूंगा कि कुछ भी इसको ना हो सके। और दाऊद ने उसको द्वारपाल चुना था, उसको सिक्योरिटी गार्ड चुना था, और वो वहां पर खड़ा रहकर उसकी देखता रहता था 3 महीने तक। बस यहां से दाऊद ने सीखा था, परमेश्वर तेरी डेवड़ी में रहना मुझे भावता है। हालेलुया, परमेश्वर तेरी डेवड़ी में रहना मुझे अधिक भावता है। किससे? दुष्टों के वास करने से अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा रखता हूं कि आपको यह वचन समझ आ रहा हो और आप इस पर चलेंगे भी और आप इसको ग्रहण भी करेंगे। हालेलुया, आप उसको ग्रहण भी करेंगे। यहां पीछे आप उसको ग्रहण भी करेंगे, आप उस पर उसके ऊपर चलेंगे भी, आप उसको मानेंगे भी और उसके ऊपर विश्वास भी करेंगे। मैं आप सब लोगों को मिस कर रहा हूं, आप शायद मुझे देख पा रहे हैं पर मैं आपको नहीं देखता। मुझे अपने चर्च के लोगों से मिलना है परंतु सरकार ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, और उससे पहले हमारे इस वचन ने हमारे हाथ बांधे हैं कि वो, क्योंकि वो कहता है कि अपनी सरकार का, जो तुम्हारी प्रधानताएं हैं, उनका आदर करो, और हम उनका आदर करते हैं, हम उनका कहना मानते हैं, जो कुछ प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराया है और वो जो कहते हैं हमें उनका आदर करना है, हम उनको ग्रहण करना है, जो कुछ वो कहते हैं हम उसका आदर करना है। इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा, परंतु रियली मैं सच में अपने दिल से कह रहा हूं, मैं आप लोगों को, मैं अपने चर्च के लोगों को, यीशु सहारा चर्च के लोगों को सच में बहुत मिस कर रहा हूं, क्योंकि हम सब बैठ के परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करते थे, हम सब बैठ के परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे। जब वचन होता था, जब आराधना होती थी, जब चंगाइयां होती थी, जब गवाहियां आती थी, टेस्टमनीज आती थी, अनबिलीवेबल टेस्टमनीज आती थी, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे, और परमेश्वर है ऐसा हम खुशी से दावा करते थे कि सचमुच परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है, सचमुच परमेश्वर है जो हमें रिहाई देता है, सचमुच परमेश्वर है जो हमें बचा के रखता है। आमीन, आमीन। मैं आशा रखता हूँ आप भी मुझे मिस कर रहे होंगे, आप भी इस चर्च को याद कर रहे होंगे। अगर आप याद कर रहे हैं तो प्रार्थना में भी याद रखिए, ताकि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस खत्म हो और हम परमेश्वर की उपस्थिति में दोबारा से फिर शारीरिक तौर से एक दूसरे के साथ मिलकर आ सके, क्योंकि परमेश्वर के भवन में रहना मुझे अधिक भावता है। हालेलुया, परमेश्वर के भवन में रहना मुझे अधिक भावता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इसके जरिए, इस यूट्यूब के जरिए, इस फेसबुक के जरिए मैं आप लोगों से बात करता हूँ, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो प्रेजेंस हम, जो मज़ा मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर के भवन में रहते हुए आप लोगों के साथ मिलकर आराधना करने में आता है, वो यहाँ पर मुझे नहीं आता है। ये तो एक जरिया है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, ये तो एक जरिया है कि हम अपने अपनी अपनी प्रार्थना विनती लिख सकें, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर का वचन सुने, और हम जो हैं वो परमेश्वर के बातों को कर सके, वचन को सुने और उस पर चल सके और चार्ज रहें। ये तो एक सिर्फ जरिया है, एलिमेंट है,
परंतु सबसे बड़ी बात यह है मुझे अधिक भावता है। मैं अपनी बात करूं, मैं पास्टर अभिषेक दर्शन अपनी खुद की बात करूं, तो मुझे कई हजार पलों से अच्छा लगता है एक पल चाहे मैं परमेश्वर के भवन में बिता दूं। दाऊद कहता है सब राजगद्दियां छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के उसको एक चीज अच्छी लगती है, वो है परमेश्वर का भवन, वो है परमेश्वर का राज्य, वो है परमेश्वर का, परमेश्वर की उपस्थिति। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद करें उस भाई का, उस मार्क जकरबर्ग का जिसने ये फेसबुक क्रिएट किया, और अगर ये ना होता तो शायद हम ऑनलाइन ना होते। और मार्क जकरबर्ग को परमेश्वर आशीषित करे कि उसके थ्रू उसने टेक्नोलॉजी बनाई और उस भाई के थ्रू हम फेसबुक चला सके और आप सभी के भी साथ वार्तालाप कर सके, आप सभी के साथ बात कर सके, आप सभी को वचन सुना सके। मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जो मजा जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, जो मजा परमेश्वर के भवन में रहते हुए है, वो कहीं और नहीं है मेरे प्रिय। ओबेद एदोम ने क्या किया? सिर्फ खड़ा रहा। कहां पर? गेट पे, डोर कीपर, द्वारपाल, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार था वो। और वहां पर खड़ा रहकर वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का संदूक वो अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आगे नहीं लेके जा सके, मौत हो गई थी और उसके घर पे रख दिया। और वो खड़ा होके सिर्फ और सिर्फ उसको देख रहा है और उसको देखकर वो आनंद कर रहा है। वाह परमेश्वर की प्रेजेंस, वाह परमेश्वर की प्रेजेंस, ऐसे करके वो आनंद ले रहा है सिर्फ और सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, उसको पता था कि मैं द्वारपाल हूं, मैं लेवी नहीं हूं, अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये पावर है परमेश्वर की प्रेजेंस में, ये पावर है परमेश्वर की उपस्थिति में, ये पावर है परमेश्वर के भवन में। जब हम आते हैं, कई लोग कहते हैं घरों में बैठकर प्रार्थना कर लीजिए, क्या नो मेरे आत्मिक पिता कहते हैं अगर घर में रहकर हम आराधना करते हैं, चलो मान लेते हैं चर्च ने इलाज तो डॉक्टर करते हैं ना, फिर हॉस्पिटल क्यों बनाए जाते हैं? पढ़ाते तो टीचर है ना, फिर स्कूल क्यों बनाए जाते हैं? अरे वचन तो हम पास्टर से सुनते हैं, उपस्थिति तो परमेश्वर की होती है। चर्च इसीलिए बनाया जाता है कि वहां पर बैठकर हम परमेश्वर के इकट्ठे होकर हम परमेश्वर की आराधना करें, इकट्ठे होकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, इकट्ठे होकर हम परमेश्वर के भवन में रहें, इकट्ठे होकर हम महसूस करें और फेलोशिप के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरे कर सके, और एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, एक दूसरे को हम इनकरेज करते हुए परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया। गलत रास्ते पर चल रहे हो आप, अगर आप ये सोचते हो कि आप लोग बिना चर्च के आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हो, गलत शिक्षा ले रहे हो आप। परमेश्वर की चर्च के बिना, संगति के बिना, कुछ लोग कहते हैं जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा है वहां मैं हाजिर हूं। हां, जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा है वहां परमेश्वर उपस्थित होता है, पर अगर वो दो या तीन की बजाय 20 या 30 हो जाए तो कहां, वहां नहीं होगा। अगर 20 से 30 से 200-300 हो जाए तो वहां नहीं होगा। अगर 2000-3000 हो जाए तो वहां नहीं होगा। 20,000-30,000 हो जाए वहां नहीं होगा। होगा मेरे भाई, उसने दो या तीन ये कहा कि अगर 2000-3000 भी हो गए तो मैं वहां हाजिर होऊंगा। अगर उसने दो या तीन बोलना था तो उसने चेले 12 क्यों बनाए? आमीन, जो उसके साथ रहते थे बस, फिर दो या तीन में वो राज्य फैला के चला जाता ऊपर यीशु मसीह। व्हाई ही टोल्ड टू स्प्रेड द गॉस्पेल टू ऑल द वर्ल्ड, उसने ऐसा क्यों कहा कि सुसमाचार सुनाओ पूरी दुनिया में? आमीन। Amen.
आइए बात करते हैं ओबेद एदोम की। वो खड़ा है और ब्लेस है, बस देख रहा है, ऐसे करके बस देख रहा है परमेश्वर के संदूक को जो उसके घर में सिर्फ 3 महीने के लिए रखा गया है। दाऊद ने कहा हम यहीं पर खड़ा करेंगे इस संदूक को, सिर्फ यहीं पर रखेंगे। 3 महीने के बाद उसके घर से उठाकर वो ले गई यरूशलेम की तरफ और वो खड़ा सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। हो सकता है आपने ओबेद एदोम के बारे में कभी ना सोचा हो, कभी सुना ना हो। आज सुनिए, परमेश्वर छोटे से छोटे लोगों को भी इस्तेमाल करता है जो उसकी सेवा के लिए तैयार होते हैं। सेवकाई सिर्फ वचन की नहीं होती, सुसमाचार की भी होती है। ये 2 महीने हमारे कोरोना वायरस खा गया, आगे पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन चलेगा। क्या आप तैयार हैं जब लॉकडाउन खुलेगा कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाना है? 1 महीने में आपने सुना है, सोचा है, कभी प्लान बनाया है? हम फ्री होकर घर में टीवी देखते रहते हैं, हम घर में बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं। अच्छी बात है, चलाएं, नॉलेज लें, पर उससे बढ़कर कुछ काम प्रभु ने हमारे जीवन में हमें दिया है। वो क्या काम है, क्या काम है मेरे प्रियो? वो काम है परमेश्वर हमसे अपनी सेवा लेना चाहता है। आमीन। मैंने पिछली बार बोला था ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, उनको बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब हो सके, 1000 हमारा सब्सक्राइब हो सके और साथ में हम यूट्यूब पे भी ऑनलाइन जाएं, क्योंकि फेसबुक से ज़्यादा लोग यूट्यूब चलाते हैं। सिर्फ 20 या शायद 15 या 20 सब्सक्राइब बढ़े हैं और कुछ नहीं। हम इतनी घर में रहकर सिर्फ इतनी सी सेवा तो कर सकते हैं ना मेरे प्रियो। हर एक के फोन में कम से कम भी व्हाट्सएप अकाउंट अगर चेक करें तो व्हाट्सएप अकाउंट कम से कम भी 300 बंदे का तो व्हाट्सएप अकाउंट, 300 नहीं तो 200 तो कम से कम होगा। क्या मेरी बात को सुन पा रहे हैं? कम से कम भी 300 से लेकर 200 तक तो आपका जो अकाउंट है आपके व्हाट्सएप पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं 200 तो होंगे। और जो व्हाट्सएप यूज़ करता है 100% श्योर है कि वो यूट्यूब भी इस्तेमाल करता होगा। क्या आप 200 लोगों को ये भेज मैसेज मैं आप सबको भेजता हूँ, आप लोग ये यूट्यूब पे जाकर ये शेयर कर सकते हैं कि वो उन लोगों को बोल सकते हैं कि भाई सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ये वचन कैसे फैलेगा? कोरोना वायरस से लोग जब हॉस्पिटल से जो ठीक होते आते हैं वो बाइबल पकड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने 2-3 वीडियोस देखी, बाइबल पकड़ कर आ रहे हैं। अगर उनके पास वचन ना पहुंचता तो क्या वो ठीक होते? आपके पास वचन ना पहुंचा तो आप क्या बचाए जाते? आपको भी किसी ने वचन बताया था इसीलिए आप बचाए गए। आपकी ड्यूटी नहीं बनती क्या, हमारी ड्यूटी नहीं बनती क्या कि हम यही काम कर लें, यही सेवा कर लें कि यार किसको बोले कि भाई 200 में से 300 जो 200 हमारे अकाउंट है सब्सक्राइब कर चैनल परमेश्वर का वचन सुन। और ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, एटलीस्ट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी ये वचन जब उसकी लिस्ट में आएगा कभी तो क्लिक करके सुनेगा। और अगर सुनेगा उसका जीवन बदलेगा, और अगर जीवन बदलेगा तो परमेश्वर फल किसको देगा? आपको देगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे प्रियो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को फैलाने में मदद और सहायता करें। जितने मेरे चर्च के लोग हैं सबके पास, सबके बच्चों के पास भी कम से कम भी 2-2, 3-3 हर एक घर में फोन है। और अगर वो सब्सक्राइब कर दें और आगे बेल आइकॉन दबा के उसके बाद औरों को भी वो वीडियो शेयर कर दें
सब्सक्राइब के जस्ट बाद में एक शेयर का बटन आता है, शेयर करें, और उसके बाद शेयर करने के बाद व्हाट्सएप व्हाट्सएप दबा के सारी लिस्ट में शेयर कर दें, या मैं आप अपना नंबर दे सकते हैं, अगर कोई शेयर करना चाहता है आप अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपको ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड करके शेयर करूंगा। और जब ये शेयर करेंगे और जो लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचेगा, और जब परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचेगा तो वो ब्लेस होंगे। मैंने अपने चर्च के लोगों को कईयों को पूछा कि आप सब्सक्राइब किया, वो बोलते हैं हमने नहीं किया सब्सक्राइब। क्यों? सब्सक्राइब करने में क्या उंगली दर्द करती है? ऐसे दबाने से उंगली दर्द करती है? आज हमारे पास समय नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से कान खोल के सुनिए, ये कान खोल के जिसके पास कान हो वो सुन ले। आज हमारे पास ये समय नहीं है कि हम घर घर में जाकर, अब समय जो पीरियड चल रहा है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हमारे पास समय नहीं है कि हम घर घर में जाकर परमेश्वर के वचन को फैला सके, पेज दे सके, लिटरेचर दे सके, ले ये लो भाई, नहीं है समय। समय क्या है? यहाँ वीडियो बनाएं और वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर हम लोगों को प्रचार कर सके। कितने लोगों तक हम करेंगे? एक सब्सक्राइब होंगे तभी करेंगे ना, लोग हमारे साथ जुड़े होंगे तब भी ना, अगर जुड़े होंगे और वो आगे फैलाएंगे तभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ओबेद-एदोम ने तो अपने काम कर दिया, उसने तो बोला ठीक है मेरे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस को रहने दो, उस आर्क ऑफ द कवनेंट को, उस वाचा के संदूक को रहने दो जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उस संदूक को रहने दो। वो आचा का संदूक क्या था? वो हम निर्गमन उसका 25 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि एक मूसा को कहा था कि वाचा का संदूक बनाना भाई, ये काम करना, वो करना, ऐसी वेदी बनाना, ये काम करना। मैं आपको पढ़ना, आपको पढ़ के फिर मैं आपको बताता हूँ। मिलाप वाले तंबू के बीच में है, मिलाप वाला तंबू, उसमें होम बलि की वेदी बनाना, फिर आंगन बनाना, फिर याजकों का पवित्र वस्त्र, दीपक बनाना देखरेख के लिए, एपोद, फिर सीना बंद याजकीय वस्त्र, ऐसे कर करके हर एक चीज बनाना, तुम पवित्र स्थान बनाना भेंट के लिए, पवित्र मेज बनाना, सोने का दीवट बनाना, और वाचा का संदूक भी बनाना। ये वाचा का संदूक क्या था? वाचा का संदूक 25 की 22 में लिखा है, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, संदूक के भीतर प्रायश्चित के लिए, सुना, प्रायश्चित के लिए ढकने के संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा संदूक के बीच रखना, और मैं उसके ऊपर तुझसे मिला करूंगा और इजरायली के लिए जितनी आज्ञा, यानी कि वाचा के संदूक के ऊपर सब कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, परंतु जो वाचा का संदूक होगा वो स्पेशल होगा, और उसके ऊपर जो करूब होंगे, ऐसे ऐसे जो करूब होंगे वाचा के संदूक के ऊपर करूब होंगे, उस करूबों के ऊपर मैं विराजमान होऊंगा, यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस उस संदूक पे होगी। हालेलुया, उस संदूक के ऊपर होगी, और जब उस संदूक के ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस होगी तो दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद उसको लेके जा रहा है वाचा के संदूक को यरूशलम में रखने के लिए। रास्ते में वो गिर गया और ऊंचा मर गया, फिर ओबेद-एदोम के घर में रखा गया, स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद उसने क्या किया, ऐसे 3 महीने तक उसको देखता रहा और ब्लेस हुआ। आगे क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 26 आयत पढ़ेंगे, 26 का 4, परमेश्वर ने क्या ब्लेसिंग दी उसको। ओबेद-एदोम के बाद पुत्र हुए उसका जेठा शमैया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योया, चौथा सकार, पांचवा नतनेल, छठवां, ऐसे कर करके शमैयाल के पुत्र हुए उसके कितने पुत्र हुए थे उसके, ओबेद-एदोम के 8 पुत्र हुए थे, 8 पुत्र हुए, और उसके आगे पुत्रों के भी पुत्र हुए। 26:8 में क्या लिखा है, ओबेद-एदोम 62 थे, यानी कि ओबेद-एदोम की जो जनसंख्या थी, ओबेद-एदोम के जो पुत्र पुत्रियां पोते पोतियां हुए 62 थे। परमेश्वर ने उसके घराने को ब्लेस किया, आशीषित किया, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड बनने से ही परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग फॉर गॉड? आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? क्या हम परमेश्वर के लिए सिर्फ बैठे हैं बस आराम से,
खा रहे हैं, दिन का उठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नहा धो रहे हैं, खा पी रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर खा पी रहे हैं, फिर सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, राशन मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, घर में ही सब कुछ है, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, अरे एटलीस्ट फ़ोन चला रहे हो, कम से कम परमेश्वर के वचन को तो फैला सकते हो आप। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से, यस आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ मैं। कितने सब्सक्राइब आपने करवाए हैं? निर्णय कीजिए कि मैं आज के दिन ही कम से कम भी 100 सब्सक्राइब कराऊंगा। एक बंदा अगर बोले तो 10 बंदे ही, ये 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग लाइव यूट्यूब लाइव जा सकते हैं, मेरे प्रियो, लाइव यूट्यूब जा सकते हैं हम। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और हमारे पास बहुत कम है। अगर एक बंदा एक 100, जितने भी ये सुन रहे हैं, अगर 10 बंदे करवा दे और एक बंदा 100-100 सब्सक्राइबर करा दे फोन करके, भाई ये मैं वीडियो भेज रहा हूं, इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। कोई लिख दे नीचे अभिषेक दर्शन मिनिस्ट्री, यीशु सहारा चर्च, बहन कृष्णा जल्द से जल्द इसको लिखिए, यीशु सहारा चर्च, अभिषेक दर्शन मिनिस्ट्री, यीशु सहारा चर्च, बहन कृष्णा जल्द से जल्द लिखिए इसको, जल्द से जल्द लिखिए इसको। ये चैनल आप ढूंढ सकते हैं, इस चैनल को आप YouTube पे सर्च करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जब बेल आइकन आप दबाएंगे तो ये लोगों तक पहुंचेगा, ये जो आज का सरमन होगा, आज का सरमन नहीं बल्कि बाकी सरमन भी जो हैं ये सब पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे और वो भी आगे सब्सक्राइब करेंगे, क्या पता परमेश्वर उनके द्वारा बहुत तेरों को, जी ये बहन कृष्णा ने टाइप कर दिया, अभिषेक दर्शन मिनिस्ट्रीज, यीशु सहारा चर्च, ये सारी वर्डिंग आपने लिखनी है तो एग्जैक्ट जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, अभिषेक दर्शन मिनिस्ट्री, सब नोट डाउन कर लीजिए, ये जो कमेंट बॉक्स में आ रहा है ये नोट डाउन कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब किए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको, कम से कम भी ये, कम से कम भी एक बंदा अगर 200 को भेजे तो कम से कम भी 100 तो करवा सकता है, भाई राहुल, भाई सुमेर, और भाई अशोक, और भाई गगन, भाई सूरज, और भी बहुत सारे जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें अब हमारे चैनल को और इसको बढ़ाएं, क्योंकि हम घर घर जाके वचन नहीं बांट सकते, एटलीस्ट हम मीडिया को तो फैला के टेक्नोलॉजी के थ्रू तो हम लोगों के पास जा सकते हैं और जाकर वचन बता सकते हैं। ऐसा करने में आप सेवा करिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, जैसे उसने ओबेद एदोम को ब्लेस किया, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। और दाऊद ने किससे सीखा था कि डेवड़ी में रहना ब्लेस है? वो था ओबेद एदोम से, क्योंकि उसने देखा कि उसको सिर्फ उसके भवन में 3 महीने तक सिर्फ पड़ा रहा वो वाचा का संदूक और वो ब्लेस हो गया, तो उसने सीखा कि परमेश्वर सिर्फ तेरी डेवड़ी में मैं भी सिक्योरिटी, ओबेद एदोम की तरह मैं भी खड़ा रहूं और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी ओबेद एदोम की तरह मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं आशीषित हो जाऊं, परमेश्वर मुझे आशीषित करे, क्योंकि मैं जो मजा तेरे भवन में है और जो तेरी डेवड़ी में है वो कहीं पे नहीं है। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीषित करे, परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा बरकत दे, आप ब्लेस किए जाए, आप आशीषित हो। लॉकडाउन के दिनों में घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, दूरी बनाकर रखिए लोगों के साथ, बट अपनी फैमिली के साथ एकजुट रहें, प्रार्थना करें ताकि ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, आप बढ़ते चले जाओ, आपके घर में किसी चीज की कमी घटी न रहने पाए, अकाल के दिनों में खिलाने वाला परमेश्वर आपकी ओर अपनी आंखें लगाए और आपको भरपूरी दे। आमीन, आमीन, आपको भरपूरी दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और हम मिलेंगे वीरवार को शाम को 9 बजे, तैयार रहिएगा। ये प्रेजेंस ऑफ गॉड को ही मैं सेम कंटिन्यू करूँगा, यही वचन को मैं सेम कंटिन्यू करूँगा, प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये मेरा ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ इसीलिए इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे, प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्यों कह रहा है दाऊद की तेरी उपस्थिति में रहना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए उससे पहले पहले आपने एक सेवा करनी है, वो मैं आप सबको सौंप रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बंदा कम से कम भी 100 सब्सक्राइबर करवाएगा, एक बंदा, अगर मुश्किल है ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए और आगे की आगे बोलिए, आप भी सब्सक्राइब करें, आप और आगे सब्सक्राइब करवाएं, कौन कौन कर सकता है बोलिए, अभी अभी टाइप कीजिए, अभी टाइप कीजिए कि मैं करवाऊंगा, मैं, जितने जितने आप सब्सक्राइबर करवाएंगे नीचे लिखिए,
नीचे लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, कितने कितने सब्सक्राइब करवाएंगे आप। परमेश्वर से वायदा कीजिए, परमेश्वर मैं तेरे वचन को फैलाने में मदद और सहायता करूंगा, जल्द से जल्द लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए आप कितने कितने सब्सक्राइब करवाएंगे। भाई गगन जल्दी लिखिए, कृष्णा बहन जल्दी लिखिए, अशोक जी जल्दी लिखिए, साहिल आप भी लिखिए, अपने दोस्तों को आप भेजिए ताकि ये चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवाएं। साहिल जतिन जो भी है जल्द से जल्द बोलिए, जल्द से जल्द बोलिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने में। लिख नहीं रहा कोई, कोई लिख नहीं रहा, अशोक भाई आप नहीं लिख रहे, कितने सब्सक्राइब करवाएंगे यूट्यूब में ये चैनल। मैं आपको अब सबको अब ये डेली भेजता हूँ जब ये वचन होता है जी। हाँ जी करूँगा, कितने करेंगे, कितने करेंगे, गिनती लिखिए, गिनती लिखिए आप कितने चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन, मैं फिर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन हम हाथों के द्वारा, हम परमेश्वर का वचन घर घर जाकर नहीं बता सकते, सिर्फ मीडिया के थ्रू बता रहे हैं, मीडिया के थ्रू बताना है। और जब मीडिया के थ्रू बताना है तो मैं अकेला नहीं बता सकता, मुझे आप लोगों की जरूरत है, परमेश्वर को भी आप लोगों की जरूरत है, उसका वचन नॉन बिलीवर्स के घर में पहुंचे, नॉन बिलीवर्स के घर उसका वचन पहुंचे। जतिन ने बोला मैं 10 सब्सक्राइब करवाऊंगा, 10 लोगों को ये बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, 10 सब्सक्राइब करवाएंगे जल्द से जल्द। और बताइए, जतिन ने बोल दिया 10 सब्सक्राइब करवाएंगे, और जो देख रहे हैं अशोक जी आप कुछ बोल नहीं रहे, अशोक जी आप भी लिखिए जल्द से जल्द। ये सीरियस बात है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये परमेश्वर के वचन के साथ मैं मजाक नहीं कर रहा, ये खेल नहीं हो रहा। विक्की भाई ने बोला है, विक्की मसीह ने बोला है मैं 100 सब्सक्राइब करवाऊंगा, लोगों को बोलना है, लोगों को बोलना है कि आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हर एक फोन, सुनिए मेरी बात, हर एक फोन से, हर एक फोन से एक सब्सक्राइब हो सकता है। जैसे मेरा फोन है, मेरी वाइफ का फोन है, मेरे फादर का फोन है, मेरी बहन का फोन है, तो 4 सब्सक्राइब हो सके और 4 आइकन दबाएंगे और ऐसे करके आप कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स आपके। साहिल यादव जी ने बोला है, जतिन ने बोला है 10, विक्की भाई ने बोला ज्यादा करेंगे, कृष्णा ने बोला है, कृष्णा बहन ने बोला 7 से 10, गगन ने बोला है सारे मैं लोगों को बोलूंगा, और अशोक जी आप नहीं बोल रहे कितने लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे और कितने लोग देख रहे हैं। गर्म हो गया।